फुटबॉल वर्ल्ड कप का सनसनीखेज इख्तिताम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब इनाकात पर कतर को मुबारकबाद, सऊदी अरब और मराकेश के अपसेट्स मेगा इवेंट के यादगार लम्हात करार। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। खबरदार, किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की, सब अपनी औकात में रहें। किसी ने साबिक सिपा सालार को बुरा भला कहा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरी पार्टी बोलेगी। परवेज इलाही कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। इमरान खान ने मेरे साथ बैठकर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करके बहुत ज्यादती की, क्या ये खुद को अवतार समझते हैं, ऊपर से आए हैं? जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं, तहरीक इंसाफ एहसान फरामोश ना बने। वजीर आला पंजाब का दो टोक मौकफ, पीटीआई के 99% अरकीन पार असेंबलियां तोड़ने के खिलाफ हैं। परवेज इलाही की जरदारी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफ, शहबाज शरीफ पर तनकीद। कमर बाजवा के साथ झगड़ा मेरी जात का नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इक्तदार में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके वो न्यूट्रल रहेंगे। असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराना न्यूट्रल्स का इम्तिहान है। दोबारा इक्तदार में आए तो इनका एहतसाब करेंगे, जो खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। कायनात का बदतरीन शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इमरान खान का CPNE के वफ से तबादला ख्याल। इमरान खान का असेंबलियां तोड़ने का ऐलान, पंजाब की सियासत में हलचल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर आमद, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी इस्तेहकाम मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए जरूरी है, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए, वजीर आजम से मॉडल टाउन में मुलाकात। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने का टास्क चौधरी शुजात को देने पर इत्तफाक। काफली के सरबराह की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने तक परवेज इलाही से राब्ता ना करने का फैसला, मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। पंजाब में पहले तहरीके अदम एतमाद आए या एतमाद का वोट, नून लीग ने मुशावरत तेज कर दी। वजीर आजम ने सूबे की सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। वफाकी वजरा PDM की क्यादत से मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ का लंदन में नवाज शरीफ से राब्ता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान फौज को छोड़ें, अपने घर और घरवाली की करप्शन का बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब देंगे तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीख चीख कर NRO मांग रहे हैं। इमरान खान किसी सूरत असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की गरज बरस। इमरान खान ने इदारों को मुतनाज़े बनाने की भरपूर कोशिश की, वो जानते हैं अवाम में उनकी मकबूलियत कम हो रही है। ऑडियो लीक्स में इनके झूठ और चोरी सामने आ गई, तबाह हाल मिलने वाली मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कल से पहले मरियम औरंगजेब, फिर फलाना, फिर फलाना, इनको आपने इनके चेहरे देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, यूँ लगता है कि जैसे खून ही ख़त्म हो गया है जिस्म से। भाई अगर आपने, अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। कभी अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए हैं। नून लीग इंतखाबात से भागने के बजाय मुकाबला करे, आप अवाम में जाने से खौफजदा क्यों हैं? अगर आपके पास वोट नहीं है चले जाएं। इमरान खान ने कल जो छक्का मारा, इन्हें गेंद ही नहीं मिल रही। PDM 13 जमातों पर मुश्तमिल चूचू का मुरब्बा, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का महवर है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक।
मोनू सिलाही की जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात, फवाद चौधरी भी मीटिंग में शरीक, कायदीन में चौधरी परवेज इलाही के बयान से पैदा शुदा सूरत हाल पर बातचीत, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा, नून लीग अपना मातम जारी रखे। मुलाकात के बाद मोनू सिलाही का ट्वीट। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ में तश्वीश, पीटीआई रहनुमाओं का फौरी रद्द अमल से गुरेज, मुशावरत के बाद मौकफ सामने लाया जाएगा, वजीर आला को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे इत्तेहाद को धजका लगे, पीटीआई क्यादत का शिकवा। हो सकता है चौधरी परवेज इलाही पर बाजवा साहब के एहसानात हों, हमारे ऊपर साबिक आर्मी चीफ के कोई एहसानात नहीं, असेंबलियां मुकर्रा वक्त पर तहलील होंगी, पीडीएम को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है, कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी सुना है कि पीडीएम की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले, भागना नहीं है आपने, इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। हर हफ्ते बड़े बड़े नाम जो हैं, मुअज्जज शख्सियात हैं, वो शमूलियत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। असेंबलियां तहलील करने के ऐलान से पीडीएम खौफजदा, पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अब करो इमरान खान का मुकाबला, तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए पंजाब से ज्यादा पैसे रखे थे, विफाक आज बलूचिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, असद उमर की कोयटा में मीडिया टॉक। इंतखाबात में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा में दो तिहाई अक्सरियत, पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही गवर्नर राज लग सकता है, कौम इलेक्शन की तैयारी कर ले, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना खत्म करें, पाकिस्तान आए, शेख रशीद। सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीडीएम जमातों के औसान खता, इंतखाबात से 13 जमाती करप टोले की कांपें टांग रही हैं, पहली बार इमरान खान ने इक्तदार की बारियों के खेल का पर्दाफाश किया, मुशीर दाखला और इतलात पंजाब उमर सरफराज चीमा। भारत के खिलाफ और बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद कराची समेत सिंध के कई शहरों में रैलियां, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे, सईद गनी का कराची में रैली से खिताब। वजीर आला पंजाब का एक और अहसन इकदाम, लाहौर में माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें चलेंगी, पहले मरहले में 300 हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी, 200 नए बस स्टॉप भी बनेंगे, मास ट्रांजिट अथॉरिटी नई हाइब्रिड बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए चलाएगी, परवेज इलाही। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 25वां कॉन्वोकेशन, पहले रोज 1076 तलबा तालिबात ने डिग्रियां हासिल की, तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने पर 149 तलबा तालिबात को मेडल्स से नवाजा गया। बैंकॉक में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान का बड़ा एजाज, 3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीतकर रमीज इब्राहिम ने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तानी तनसाज ने बॉडी बिल्डिंग क्लासिक मेंस फिजिक में तलाई तमगे जीते।